পরনী ও মাথায় পাগড়ি পরে প্রথমে হেলিকপ্টারে পরে সুসজ্জিত হাতিতে করে আনুষ্ঠানিকতা সারেন। তিন সপ্তাহ আগে যুক্তরাজ্যে আমার বড় ছেলে শাহ শামসুল ইসলামের সঙ্গে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হোসেন মিয়ার মেয়ে মনীষা হোসেনের বিয়ে হয়। কিন্তু নাতি নাতনির স্বপ্ন পূরণে দেশে এসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার এই আয়োজন করি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तजा। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, आपने सुना तो होगा और देखा भी होगा इंडियन मूवी के दिल वाले दुल्हनिया ले गए, और यही हुआ है कि बांग्लादेश वाले पाकिस्तान में दुल्हना ले गए, दिल वाले दुल्हनिया ले गए। बिल्कुल, तो ये भाई एक ऐसी स्टोरी है, उसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो है। बड़ी इंटरेस्टिंग अमेजिंग ये स्टोरी है, और बांग्लादेश के एक नौजवान ने दोशीजा लेकर गए हैं पाकिस्तान से, यानी शादी हुई है पाकिस्तान की एक लड़की के साथ, और जिस तरह से शान और शौकत के साथ और बड़े ही वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ सबने जो हमारी एज के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो सबने ये सुना तो होगा कि शाही खानदान के जब शादी होती थी, जो नवाब होते थे पुराने जमाने के, जो वहां के राजा महाराजा होते थे, जो बादशाह होते थे, किंग होते थे, उनकी शादी कैसे होती थी, जिस तरह से बंगाल के किंग हुआ। जी, वो सबने सुना तो है कि कैसे होती थी, लेकिन ये कैसे होती थी ये देखना भी आज सबको नसीब होगा, क्योंकि सब ये शादी वैसे ही हुई है जैसे पुराने जमाने के राजा महाराजा की शादी होती हुआ करती थी। अच्छा, सिलहट के एक नौजवान है, ये कारनामा सरंजाम दिया और है। वो आपको थोड़ी सी मिस्ट्री, थोड़ा सा आपको वो उसका ओवरव्यू दे देते हैं, उसका खाका आपके सामने रख देते हैं कि क्या हुआ कि एक पाकिस्तानी लड़की और एक बंगाली लड़का जो कि यूके में एक दूसरे के साथ मिले और वहीं पे उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद उन्होंने शादी की, उसके बाद वो उन्हें लेके आए हैं बांग्लादेश में। जब ढाका में लेके आए तो ढाका से उन्होंने सिलहट के, वो शहरी हैं सिलहट में वो रहते हैं, तो सिलहट में वो हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका से सिलहट तक हेलीकॉप्टर में उन्हें लेके आए अपनी दुल्हनिया को। और पहले उनको ओवरव्यू दिया है फजा का, पूरा दिखाया गया फजा में, स्पेस में लेकर गए हैं, हवा में दिखाया गया है, और ऊपर से एरियल व्यू दिखाया है पूरे बांग्लादेश का। बिल्कुल, बहुत अच्छा व्यू दिखाया कि उसके बाद वो वहां पे लेके आए सिलहट में, और सिलहट में जहां पे हेलीकॉप्टर ने उतारा है वहां से वो हाथी के ऊपर वहां से बिठा के वो लेके गए। उसके बाद उन्होंने उसे घोड़े की जो बग्घी होती है, जो घोड़े के पीछे वो एक बहुत बड़ा सा कैबिन, बहुत प्यारा सा लग्जरियस कैबिन बना होता है, उसे हम पाकिस्तान में तो बग्घी कहते हैं, आई डोंट नो कि वहां पे क्या कहते हैं, तो वो उसमें बिठा के जो है वो लेके आए हैं अपने घर में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और बगैर किसी इंतजार के हम पहले वो वीडियो देखते हैं, हम भी देखने के लिए वो बहुत बेताब है कि वीडियो दोबारा से देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। एक समय ग्रामीण संस्कृति अंश छिलो घोड़ा किंबा हाथीर पीठे चढ़े बिये करते जावार, বিশেষ করে রাজ পরিবার বা জমিদার পরিবারের সদস্যদের যেন ঘোড়া এবং হাতি ছাড়া চলতই না, এখন আর সে দৃশ্য চোখে পড়ে না। তবে হারানো সেই সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে এবং নাতি নাতনির ইচ্ছে পূরণে ছেলের বিয়েতে ব্যতিক্রমী এক আয়োজন করেন সুনামগঞ্জের লুদুরপুর এলাকার বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসী শাহ সিরাজুল ইসলাম। হাতি, ঘোড়া আর হেলিকপ্টারে করে বিয়ে করিয়েছেন ছেলেকে, ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে মুগ্ধ এলাকাবাসীও। সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি মেহেদি হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুরুজ আহমেদ। সুনামগঞ্জের লুদুরপুর এলাকার বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসী শাহ সিরাজুল ইসলামের ছেলের বিয়েতে ঘটেছে এমন রাজকীয় ঘটনা। ভাগ্নে ভাগ্নির ইচ্ছে ছিল মামার বিয়ে হবে হাতি, ঘোড়া আর হেলিকপ্টারে করে। নাতি নাতনির সেই ইচ্ছে পূরণ করলেন নানা শাহ সিরাজুল ইসলাম। শনিবার বিকেলে সিলেট থেকে হেলিকপ্টার ও হাতির পিঠে করে বর বউ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর পৌরসভার লুদুরপুর এলাকায় নিয়ে আসেন। ছেলের বিয়েতে ব্যতিক্রম এই আয়োজন করে খুশি প্রবাসী সিরাজুল। এ সময় তিনি বলেন, তিন সপ্তাহ আগে যুক্তরাজ্যে আমার বড় ছেলে শামসুল ইসলামের সঙ্গে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হোসেন মিয়ার মেয়ে মনীষা হোসেনের বিয়ে হয়। কিন্তু নাতি নাতনির স্বপ্ন পূরণে দেশে এসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার এই আয়োজন করি। বিয়ের এই আয়োজনে অংশ নিতে গত 7ই মার্চ
সপরিবারে ওই প্রবাসীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে সহ পরিবারের সবাই দেশে আসেন। শনিবার বিকেলে তাদের সিলেটের বাসা থেকে নিজ গ্রামের বাড়ি জগন্নাথপুরে হেলিকপ্টারে চড়ে আসেন তারা। পরে গ্রামের রাস্তায় বাড়ি যান হাতির পিঠে চড়ে। ব্যতিক্রম এই আয়োজন দেখতে এলাকায় শত শত উৎসুক নারী পুরুষ ভিড় জমান। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি। और बच्चे भी हैं साथ में, क्राउड लोग देखने के लिए आए हुए हैं वहाँ पे। क्या चीज़ है, वाह वाह, जबरदस्त यार। ये देखें कितने लोग हैं पीछे, ये देखिए गाड़ियां हैं पीछे, जैसे एक बारात नहीं आती जी। और जो कोई नवाब वो बंगाल की शादी हो रही है जिस तरह बड़े किसी शहनशाह की जी, हाथी के ऊपर बिठा के लाया जा रहा है, तो ये बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ये देखें। और एक रोड में आ रहे हैं, वाह, सिलट का ये लड़का है ना जी, जिंदा बाल भाई, बाजी ले गया इस लड़के को, ये गेट के अंदर लेके जाएंगे, नहीं सर ना लग गए उनके, नहीं नहीं गेट बहुत ऊंचे है, अच्छा हाइटेड है ये घर, ये मार्की आई थिंक शादी हाल। तो भी वर्ष आपने ये वीडियो देखी है और बड़ी ही शानदार वीडियो थी यार, मैं तो हैरान हो गया कि किस तरह से एक बड़ी शादी की है, रचाई और पाकिस्तानी दुल्हनियां लेकर गया है बांग्लादेशी, उन्हें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। और देखें किस तरह से शादी रचाई गई है, हम तो हैरान हो गए, हेलीकॉप्टर और फिर हाथी घोड़ा। ये चीज देख के ना मुझे वो गाना याद आ गया, मुबारक हो तुमको तुम्हारी शादी, ये बैंड बाजा ये घोड़े हाथी, वो चीज याद आ गई कि भाई ये चीज है, वो घोड़े भी हाथी भी और हेलीकॉप्टर जो उसमें गाने में नहीं है वो इसमें उन्होंने डाल दिया है, और भी अच्छा और मजेदार कर दिया। देखें ये यहाँ से साबित होता है कि बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और देखें पाकिस्तानी एक लड़की जिसने बांग्लादेश में शादी की है और उसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है और इतने सम्मान के साथ उन्हें लेके आया गया है। अच्छा एक और मैं आपको बताऊं कि सादिया रिंद पाकिस्तानी व्लॉगर जी, उनकी भी शादी तकरीबन 2 साल पहले हुई है और इमोन के साथ। ये दोनों क्या करते थे कि कोरिया में एक यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे, क्लास फेलो थे जी, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका प्यार और लव लवेरिया चल गया, जिसके बाद अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना हम निकाह कर लें, शादी कर लें, वो सबसे बेहतर अच्छी चीज़ है। तो वो उनके बाद फिर उनकी शादी हुई और वो पाकिस्तान में बारात लेकर आए, फिर वो इमोन आए पाकिस्तान, सिंध से उनका ताल्लुक था, सादिया रिंद उनका नाम है, बड़ी फेमस इस वक्त वो जनाब वो है व्लॉगर है, वो अपना व्लॉग भी बनाती हैं और सादिया डेली लाइफ के व्लॉग्स वो है। सादिया रिंद आजकल जनाब ढाका में है और एक बेबी भी हो गया है माशाल्लाह, और उसके बाद जनाब वो उनकी भी बड़ी जोड़ी अल्लाह रखे सलामत, तो उनकी भी बड़ी चर्चाएं हुई थी। और एक और जोड़ी जो है अब बन चुकी है, आप देखते हैं इस जोड़ी का बनता है क्या, लेकिन शुरुआत तो बहुत लग्जूरियस और बहुत ही मैं कहता हूँ शहाना अंदाज से की गई है, जो है ओपनिंग सेरेमनी जो है शादी की वो तो बड़ी बड़ी शानदार है, घोड़ा और फिर हेलीकॉप्टर, और ये सबको नसीब थोड़ी ना होता है जो ये प्रोटोकॉल पाकिस्तानी लड़की को दिया गया है, सिलहट के एक नौजवान ने दिया है। तो और ये भी तो प्यार की बातें, अभी हम अपने व्यूअर से पूछते हैं और कितने भाई बांग्लादेशी हैं जिनका पाकिस्तानी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे हैं। आपको ऑफर आ जाए बांग्लादेश से तो क्या आप शादी नहीं करेंगे बांग्लादेश में भाई, सोचना पड़ेगा, कर लेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला हो नहीं नहीं, आपने व्यूअर से पूछते हैं कि कौन कौन से लड़के हैं जिनका पाकिस्तानी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। मैं कह रहा हूँ तूने अपने लिए लड़के की बात कर रहा है। नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं कुछ कह रहा, बस चले ठीक है, अच्छा इजाजत लेंगे, इजाजत लेते हैं, आपकी जरा एक बार फिर मुलाकात होगी जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।